हम अपने 9th-10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है जो हमने वो उन बुक्स के अंदर पढ़ा है। लोगों की यूनिवर्सिटी से जो है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर निकलता है, कोई प्रेसिडेंट निकलता है। आप देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, सर हमारी यूनिवर्सिटी से बदकिस्मती से स्कैंडल्स ही निकलते हैं। रिसेंटली ये इस्लामी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन से इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ से स्कैंडल नहीं निकले सर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विजन तो नहीं है ना। इंडियन जो मीम्स हैं वो देख लेना, तो वो अपने आप को कंपेरिजन कर रहे होते हैं नासा के साथ, वो अपने आप को चाइना के साथ कंपेरिजन कर रहे होते हैं, वो अपनी हर चीज़ को चाइना से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से वो कंपेयर करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा किसी भी तरह से उनके साथ कंपेरिजन है ही नहीं। इंडिया का सिर्फ जितना, मैं बेसिकली खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो इंडिया जितना सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करता है, हमारी पूरी जीडीपी इतनी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविश रिएक्शन। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि पाकिस्तानी बच्चे जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और बहुत सारे वीडियोस में और साथ ही में सना अमजद जी की वीडियोस में भी आपने देखा है कि बच्चे जो रिएक्शन देते हैं पाकिस्तान के, वो हिंदुओं के बारे में काफ़ी नफरत भरे बयान रहते हैं, जो कि कहते हैं कि इंडिया में हम इंडिया को ख़त्म कर देंगे, हिंदुओं को मार देंगे। तो इस तरह के रिएक्शन हमें पाकिस्तानी वीडियोज़ में बहुत बार देखने को मिलते हैं। मगर अभी फ़िलहाल में जो इंडिया का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान में भी हुआ है, और एक इंडियन बच्चा चंद्रयान 3 को लेके अपना रिएक्शन दे रहा है, तो उसी वीडियो को लेके सना अमजद जी ने पाकिस्तानियों से आज बातें की है। और उसमें उन्होंने उनकी एक वीडियो में जो कि पाकिस्तानी बच्चों का इंटरव्यू उन्होंने लिया था, उनका माइंडसेट और इंडिया के बच्चे का माइंडसेट ये कंपेयर किया है, और लोगों से पूछा है कि ये इंडियन बच्चा, इसका क्या माइंडसेट है और पाकिस्तानी बच्चों का फिलहाल क्या माइंडसेट है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों का माइंडसेट क्या है और इसके ऊपर लोग क्या अपनी राय देते हैं। चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सना जी के चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सैयद हसन। क्या करते? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़े? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बच्चों का, कि इंडिया अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। श्योर। या पर टीवी पे या न्यूज़पेपर से कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वेक अप 15 to 20 minutes before to read the newspaper and I used to search on Google also what I saw on YouTube. It is correct or not? आपकी एज कितनी है? 9 years. मैम आई वाज सेपरेट डायरी फॉर थिंग्स मैम इन विच इंटरेस्टिंग डेज ऑफ माय लाइफ फॉर मी, फॉर माय कंट्री, एंड आई विल नोट दिस थिंग टुडे एट नाइट। अच्छा, अपने पर्सनल डायरी में? यस मैम। अच्छा, वो एक अलग से डायरी है मैम उसकी, सिर्फ उसमें स्पेशल डेज लिखाते हैं मैम, दिस डे दिस थिंग हैपेंड। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गना मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज्यादातर जनाजों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमानों कितने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे उनको जला देते हैं, तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि दो अलग अलग माइंड थाट्स हैं। इंडिया के बच्चे आप देखें उनकी थाट्स क्या हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? बेसिकली जब हम हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों का हम जब माइंडसेट बिल्ड करते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव चैनल्स हैं जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी, और वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं, उनका माइंडसेट होता है। इवन कि उनका जो सिलेबस है वो भी हमारे यहाँ के बच्चों से बेहतर है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अगर आप उनको बचपन से ही सिर्फ अगर आप उन्हें नेशनल एंथम्स उन्हें एग्रेसिव चीज़ें दिखाएंगे, और अगर आप उन्हें जैसे कह लें कि अलतकरूर जैसे ड्रामे दिखाएंगे, और उसके अंदर से बड़े अच्छे लेसन्स भी ड्राइव होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ इसके दिखाएंगे कि सिर्फ ये तलवार बाजी वगैरह और सिर्फ मारना वगैरह, तो आपके माइंडसेट में बड़ा फ़र्क है। इवन कि हम अपने 9th-10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है जो हमने वो उन बुक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जबकि इंडिया के बच्चे, और आप सिर्फ उनके उन बच्चों को उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और वो एक मेरे ख्याल से एक 9th ईयर्स का है, 9 ईयर्स का एक मेरे ख्याल 7 ईयर्स ओल्ड है, आप उनके प्रोनाउंसिएशन चेक करें। और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, आप उनके हालात चेक कर लें, उनको स्टार्टिंग से ही हम एक वो वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बैचलर्स में डिस्कस की हैं, और वो उनका कैलिबर आप चेक करें स्टार्टिंग से। और हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट ये है कि एक किसी की वीडियो वायरल होती है तो हम किसी को अपना कोई फीमेल है उसकी वीडियो अगर वायरल हो गई है, कोई डांस वाली वीडियो, तो हम उसको एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं। एरिस्टोटल के वर्ड्स थे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि किसी कौम का क्या उसका थॉट प्रोसेस है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो आप उसकी सेलिब्रिटी क्लास को देखें। हमारी सेलिब्रिटी क्लास आपके बिल्कुल सामने है। हमारे जो अपना आइडियल्स हैं वो टिकटॉक पे वायरल होने वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर फहाशी है, ये सारी चीज़ें हैं। हमने इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, और जो बंदा अभी इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है वो हमें या तो अंदर मिलता है। इवन कि हमारे यहाँ पे लॉस भी जो हैं वो इसके ऊपर हमें खुल के बात करने नहीं देते। हमारे यहाँ पे हम स्लेव्स बिल्ड कर रहे हैं, यही है कि स्लेव्स बिल्ड करते हैं, वो बाहर जाके अरब कंट्रीज़ के अंदर हम सख्त मजदूरियाँ करते हैं, ठीक है, और अब पैसे कमा के अपने घर वालों को बेचते हैं। और हम हम सिर्फ एक लेबर कौम है। हम आज तक कोई एक जैसे कह लो कि एक अच्छी गुड अपने मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सके। हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं चना, ये अपना फसलें कर देते हैं, हम सिर्फ अपना ये अपना मादनियात वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक फिनिश गुड अच्छे तरीके से कभी एक्सपोर्ट तक नहीं की। इंडिया के अंदर टेस्ला लॉन्च है, इंडिया के अंदर एप्पल आ गया हुआ है, वहाँ पे गूगल अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ हम दुनिया के अपना वर्ल्ड के CEOs देखते हैं तो वो CEOs जो हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ गए हैं, हमारे बच्चे रह गए हैं। सर आप मुझे बताएं कि हम तो कहते हैं कि तुलबा किसी कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं, अगर हम बच्चों के दिमागों में ये जहादी और जंगी थॉट्स पैदा करेंगे तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। मतलब आप देखें, आपने देखा कि जब मैंने इस वीडियो में एक बच्चे से बात की कि आप इंडिया जाना चाहोगे, तो उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा, हमारे पास 165 बम है, मैं एक एक इंडिया को मार के आऊँगा और मैं उससे बदला लूँगा। मैंने जब उससे सवाल किया कि भाई रीज़न क्या है, उसने कहा बस अच्छे नहीं लगते। मतलब बच्चों वही बात आ गई कि हमारी किताबों में जो है वो बच्चों को जो तारीख है वो उल्टी सीधी पढ़ाई जाती है, जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती, और बाकी रही सही कसर हमारे अनएजुकेटेड लोग पूरी कर देते हैं। वो बच्चों को एक ही बात पढ़ाते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे बच्चे सर दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं सीख रहे। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जिस चीज़ को हम अप्रोच नहीं कर पाते ना, हम उस एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा सना जी कि आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा पढ़ाते गलत पढ़ाते, मगर उस पढ़ाई के अलावा भी एक माँ एक बाप होने के नाते आप भी अपने बच्चों को घर को कुछ सिखा सकते हैं, और जो रियलिटी है वही आप घर को अपने बच्चों को बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये झूठ लिखा हुआ है, इसमें सही बात जो है आप भी अपने बच्चों को बता सकते हैं। मगर आप पूरा ब्लेम डाल रहे हो कि भाई एजुकेशन आपकी किताबों में ऐसा लिखा है। किताबों में तो है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि नफरत कायम रहे, तो मैं चाहूँगा कि आपका भी एक काम बनता है कि आप अपने बच्चों को, ठीक है आपकी पढ़ाई में गलत बातें बताइए, आपकी किताबों में गलत बातें, मगर आप भी अपने बच्चों को घर को जो सही है वो बता सकती है, ताकि आपका भी बच्चा दूसरे बच्चों को बता सके कि नहीं ये किताब में गलत है, एक्चुअल ये बात है। तो सिर्फ आपके एजुकेशन का दोष नहीं, उसमें आपकी परवरिश का भी दोष है कि आप भी उनको कभी क्रॉस नहीं करते या उनको रियलिटी नहीं पता, उसको बुरा समझते हैं और उसके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमारी दस्तरस हमारी अप्रोच से बाहर होती है, हम कभी भी उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। इंडिया आज हमसे बहुत आगे जा चुका है, और मेरा नहीं ख्याल वो अपने बच्चों को इतना कोई हमारे खिलाफ एग्रेसिव उन्हें ट्रेन कर पढ़ाते नहीं पढ़ाते। मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे अपनी हिस्ट्री की बुक्स दिखाई हैं जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन नफ़रत उन्हें नहीं सिखाई गई। उन्हें बताया गया कि 1947 में इनका क्या किरदार था, पाकिस्तान के जो ये सियासतदान थे, ये हीरोज़ थे, इनकी क्या एफर्ट थी। उनकी किताबों में हेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप यकीन करें, इंडिया के जो बच्चे हैं वो तो पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमारा कॉम्पिटिशन है चाइना के साथ। बिल्कुल सना जी, इंडिया का कोई बच्चा पाकिस्तान के बारे में सोचता नहीं है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। और जिस बच्चे को जो फील्ड अच्छी लगती है उस फील्ड में वो ध्यान देता है। और आपके यहाँ तो सब काम उल्टा है। इंडिया की कोई भी किताब उठा के आप बता सकते हो कि कौन सी किताब में इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में गलत लिखा है। थोड़े से एक दो चैप्टर है, मगर वो गलत नहीं है, जो रियलिटी है उसके ऊपर बताया हुआ है, ज़्यादा नहीं है कुछ। नफरत तो सिखाई नहीं जाती। आप चाहे इंडिया की कोई भी किताब उठा ले, कहीं आपको नफरत नहीं दिखेगी, ना मुसलमान के बारे में, ना कोई और मज़हब के बारे में। यहाँ सिर्फ पढ़ाई जो है बस वही की जाती है, इसमें ना धर्म लाते हैं ना कुछ। लेकिन आपके यहाँ पूरा उल्टा है। अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। अगर हम सिर्फ इंडियन जो मीम्स हैं वो देख लेना, तो वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे होते हैं नासा के साथ, वो अपने आप को चाइना के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो अपनी हर चीज़ को चाइना से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से वो कंपेयर करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा किसी भी तरह से उनके साथ कंपेरिजन है ही नहीं। इंडिया का सिर्फ जितना, मैं बेसिकली खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो इंडिया जितना सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करता है, हमारी पूरी जीडीपी इतनी नहीं है, हमारी उतनी इकोनॉमी उतनी नहीं है, जितना सिर्फ इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडिया सेल करता है। ठीक है, इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, और हम हमारा उनका किसी भी किस्म का सॉर्ट ऑफ, देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विद इंडिया। इंडिया के इंटेलेक्चुअल लेवल, उनके आप, वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने एजुकेशन के निज़ाम को और अपनी हिस्ट्री की किताबों को, ख़ासकर मुतालिया पाकिस्तान को चेंज करना चाहिए, ताकि बच्चों को, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ानी भी है तो फैक्ट एंड फिगर पे पढ़ाएं, वरना ना पढ़ाएं। हमें, जब आप देखें, यही हमारे बच्चे जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें तो झूठा कह दिया जाएगा कि भाई तुम लोगों को जो पढ़ाया गया उसमें तो कुछ सदाकत ही नहीं है। अब हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। मैंने भी यही पढ़ा कि ये जो 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, जो 3-4 जंगें हुई हैं, वो इंडिया ने शुरू की और हमने ख़त्म की, हमने सारी जंगें जीती, और हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि बेसिकली हमारे यहाँ पे एक अरतकलू ड्रामा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक अच्छा खासा ड्रामा बिल्डअप हुआ है। लेकिन अगर मेरी मदर एक एक्चुअली में खुद एक हिस्ट्री टीचर है, तो हम उसकी जब एक हिस्ट्री को डिगअप करते हैं तो उसके अंदर से हमें सिर्फ 4 पेजेस की हिस्ट्री मिलती है कि कोई पर्सन था जिसका नाम था अरतकलू, और उसके ऊपर हम अपने एक फैसिनेटिंग सी स्टोरी बना के लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ फैसिनेट करने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो हमारा 9th-10th का सिलेबस है, जिसे हम पाक स्टडीज़ का सिलेबस कहते हैं, इवन के फर्स्ट ईयर 2nd ईयर का भी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिलेबस चल रहा है, वो सिलेबस वो है जो कि हमारे टीचर्स ने भी पढ़ा था, और वो जिसे कह लो कि वो 90s में हमारे टीचर्स ने उस सिलेबस को पढ़ा था, और वही एग्जैक्ट सेम सिलेबस हमने पढ़ा है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। ठीक है, 10 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। हम आज भी जब 9th-10th का सिलेबस उठा कर देखते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है ये कंप्यूटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, और इंडियन जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है, और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कि अगर वो हमसे आगे निकल गए तो उसके ऊपर सिर्फ उनको मीम्स बना के उनके खिलाफ नफरत निकाली जाए। ठीक है, वो उनको, मेरे ख्याल से इट्स एन एम्बेरसमेंट फॉर अस कि हम अपने आप को उनसे अब कंपेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमारा उनका कोई कंपेरिजन बचा नहीं है। अगर वो, अब हम बेसिकली जो मर्जी कह लें कि इंडिया जा कश्मीर से निकल जा, वो बेसिकली कश्मीर को अपना पार्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल के दौर में ये जो कह लो कि कोल्ड वार ये स्टार्ट है, वो ये नहीं है कि आपने एटम बम बना लिया, आपने, ठीक है, डिफेंस अपनी जगह पे। ठीक है, पाकिस्तान की बेसिकली 80% या 83% हम अपना डिफेंस पे खर्च करते हैं, एज कम्पेयर टू, अगर मैं एक जापान के ऊपर बात करूं तो उनका 1%, उन अमेरिका ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 1% से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते अपने डिफेंस के ऊपर, और वो 1% इतना ज़्यादा हो गया कि वो इस वक्त अपना, जिसे कह लो कि अमेरिका से F-35 बाय कर रहे हैं, और वो टॉप ऑफ द क्लास फाइटर जेट्स हैं, उनका वो 1% बजट है, और हम अपना 83% अपना बजट जो है वो उसके अंदर फेंक रहे हैं आर्मी के डिफेंस पे। ठीक है, नो डाउट डिफेंस हमारी बेसिक नीड है और हम करना चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में जो हमारी जंग है वो डिफेंस के साथ नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल की है। ठीक है, जिसे कह लो कि चाइना का अभी तक कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई इस वक्त, जिसे कह लो मून के ऊपर, लेकिन इंडिया कर चुका है, ठीक है। दुनिया के सबसे जो बड़ी कंपनीज के CEO हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई, हम जितने भी देख रहे हैं, इवन के जो बाइडन जो है वो अपना किसी वो सपोर्ट करते हैं कि मैं एक इंडियन को वर्ल्ड बैंक का अपना एक जिसे कह लो कि CEO बनाऊँ, ठीक है। सो काफ़ी इंडियंस जो है वो इस वक्त ऑल अराउंड पूरी दुनिया में है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सर ये सारा उनकी एजुकेशन का कमाल है ना। अब मुझे बताएं कि ये गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, ये कहाँ से पढ़े हुए हैं? ये IIT से पढ़े हुए हैं, IIT का प्रोडक्ट हैं। अब आप ये सारा निज़ाम ये जो एजुकेशन पर आकर मेरा ख्याल है निसार करता है। हमारी बेसिकली अगर अभी हम कभी वर्ल्ड रैंकिंग्स देखें ना तो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं आती, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि जिसे कह लो कि दुनिया हमसे आगे है, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन पे खर्च करने को ज़रूरी समझा ही नहीं, ठीक है। और हमने बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को बोगस ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि हमने जिसे कह लो कि हमने जो हमें हमारे लिए क्या हमने समझा, ठीक है, हमारे लिए हमारा माइंडसेट बेसिक नीड से ऊपर निकाला ही नहीं गया। रोटी, महंगाई, इन चीज़ों के ऊपर हमारा बेसिक माइंडसेट ही यहाँ पे है, ठीक है। एक बंदा जो इन फुल फीड मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार जो बंदा एक अर्न कर रहा है वो अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। वो अपने किसी बच्चे को 20 हज़ार एक मंथली जो उसकी फ़ी है किसी अच्छे स्कूल में वहाँ पे वो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो हम बेसिकली जब तक हमारा जो एक बेसिक नीड्स के ऊपर एक बंदे का माइंडसेट रहेगा वो इससे बाहर निकलेगा ही नहीं, वो एजुकेशन के ऊपर जाएगा नहीं। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली बात है कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो नौजवानों की सोच वही है कि हम वहाँ पर जाएँगे और लड़ेंगे और मारेंगे, कश्मीर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी बात नहीं होती। देखें जो आजकल की दुनिया ने, पहले तो चलो बंदूकें जो मर्जी हो, आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। आपको किसी भी मुल्क को हराना हो, आपको टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आपको बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर एजुकेशन के कम से कम एजुकेशन। और जहाँ तक बात हमारी यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन सिस्टम की, मैं उसके सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप 25-30 साल पहले जाएँ, उस्ताद की इज़्ज़त होती थी, सब कुछ होता था, ठीक है। वो पहले तरबियत करते तो उसके बाद उनको बताते कि बेटा अब आप मैट्रिक के बाहर आ गए हो, अब प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। आप नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि जी हमारे वाले साहब ने कहा है कि आप दुबई भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, तो आप जल्दी जल्दी से स्कूल पढ़ो और ये कोर्स करो, ठीक है। तो वो तरबियत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो ख्वाब नहीं है, आंखों में कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये जब हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई आजकल जंग किस चीज़ की हो रही है। बेशक आप जाके डम्बम गिरा दे, जो मर्जी कर ले, असल जंग जो दुनिया में आज जो जारी है ना वो एजुकेशन की है, बगैर एजुकेशन की कोई जंग ही नहीं है। और जहाँ तक बात पाकिस्तान इंडिया की है, हमारे बच्चे तो छोड़े सर, हमारे बड़े ऐसे कोई नहीं है कि जिसका हम नाम ले सके, ठीक है। गूगल के CEO एक इंडियन है, रिसेंटली जो एक निगरान वज़ीर आज़म कह ले या जो भी कह ले जो पार्ट टाइम के लिए होता है वो सर इंडियन था, ये क्या ना, वो कहाँ चले गए। और हम आज भी इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि जी पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। तो सर कसूर किसका है? कसूर देखे सर, कसूर तो सीरियसली बात में मैं दिल से बात करूँ तो हमारे बड़ों का कसूर है, ठीक है। हमें आज तक कोई ख्वाब नहीं दिया गया, हमें आज तक कोई विजन नहीं दिए गए। जिसने भी उठाई है बंदूक ही उठाया है, जिसने भी उठाई है जी वो देखें ना, पूरे पाकिस्तान में आप एहतजाज देखें, आप गिने चुने एहतजाज हमारे, और वो हमारे अपने लिए हैं। क्या हुआ जी एहतजाज हो रहे, क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, वो जी बिजली नहीं आ रही जी, 2 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। ये देखें ये ऑरेंज लाइन बनी हुई है, ये सफ़ेद हाथी की तरह है, इस पर अरबों रुपये लगा दिया जाए लेकिन मेरे बच्चों को तालीम ही नहीं मिल रही, इस बात पर कौन एहतजाज करेगा? कोई विजन नहीं है ना। बेसिकली हमने बस पैसे ही कमाने हैं कि भाई बच्चा है जी पढ़ा लो, कोर्स कर लो, ये सारा कुछ कर लो। हमें पढ़े लेके लोगों की ज़रूरत है ताकि आगे जाए, हमारे माइंड से चेंज करें। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया, एक फ़नी सी बात है, बेटा चप्पल नीचे करो सांप आ जाएगा, बेटा एक चप्पल नीचे, एक चप्पल हो तो खैर है, बेटा बस कहावत ही है, चप्पल उल्टी हो जाए तो सफ़र आ जाएगा, जल्दी करें। यकीन करें आप ये, मैं आपको एक टॉपिक हट के एक बात बताना चाहूँ सब समझाने के लिए कि उनके बड़ों में हमारे बड़ों में फ़र्क क्या है। छोटा सा बच्चा होता है 2-3 महीने का, वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, उनको उधर ही से वो डुबकी लगाते हैं, बाद में वो स्विमर भी बनते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। सर हम थोड़ा सा उठाते हैं, पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं सर से मत उठाओ, छोटा बच्चा पेट ख़राब हो जाता है। कम ऑन यार, ये कोई हद होती है यार। तो ये हमारी बातें, ठीक है, तो एजुकेशन कहाँ से आएगी सर? हमारे बड़ों ने कभी नहीं लिए। और मैं तो ये समझूंगा कि ये सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको निकाल कर इनके बड़ों को पहले पढ़ाएं कि भाई विजन है क्या, आगे जाके करना क्या है। अभी यकीन करें 5-10 मिनट पहले सच्ची बात बता रहा हूँ, भाई का मैसेज आया है, कहता है यार अभी देखो छोटा मोटा काम कर लो सारा कुछ, ठीक है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बेसिकली मैं लेग स्पिनर हूँ, तो मेरे भी बड़े बड़े ख्वाब है, मैं इनकी तरह नहीं कि वो जो कहता है ना कि बेटा वो कर लो, लेकिन मुश्किल वक्त आता है। लेकिन सर बड़ों ने कभी कुछ किया नहीं, कभी समझाया नहीं, ठीक है। 75 साल बाद भी आज भी वही जो है ना खानदानी काम सर, आगे बढ़े आगे जाएं, क्यों बेपराई नौकरी करें यार, हम क्यों इस तरह करें। पाकिस्तानी लोगों में क्या टैलेंट नहीं है क्या? हमें कोई सुनारने वाले कोई नहीं है, ठीक है, ये सब सोना ही रहे, लेकिन कोई सुनार तो। अब एजुकेशन आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में जाए, सब लोगों की यूनिवर्सिटी से जो है ना कोई प्राइम मिनिस्टर निकलता है, कोई प्रेसिडेंट निकलता है। आप देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, सर हमारी यूनिवर्सिटी से बदकिस्मती से स्कैंडल्स ही निकलते हैं। रिसेंटली ये इस्लामी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन से इस्लामी यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ से स्कैंडल नहीं निकले। सर क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विजन तो नहीं है ना, उन्होंने बस आए हैं कि जी बस यहाँ से कोर्स करेंगे और इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं 20 साल की उम्र है, मैं अपनी उम्र से बड़ी बात कह रहा हूँ। आपकी तनख्वाह भले करोड़ों में हो, अगर आपका मालिक नहीं हो ना तो आप अपने पैरों पर खड़े नहीं। मैं अगर 50,000 भी कमाऊँ, मेरा मालिक है सर आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पैरों पर तो नहीं खड़ा ना। आप आगे जाएँ सर, विजन लेके आएँ, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे जाए तो विजनरी बने। और ये इंडिया बचे, पाकिस्तान बचे, वो 75 साल हो गए, हम वैसे के वैसे ही हैं। एक्ट्रेस उन्होंने स्टार्ट किया, अभी चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। उनके आगे आने वाले बच्चों में आप देखें, उनके इतने शऊर आएगा कि आज से 70 साल बाद, ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों में अड़े होंगे और पता चलेगा जी इंडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया कहाँ से पहुँच गई, और हम आज भी जो है ना इसी तरह अड़े होंगे। सर उनके बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनने की बातें कर रहे हैं, और हमारे बच्चे कह रहे हैं इंडिया में जाकर घुस के मारेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो मैंने पहले कहा था कि भाई जो घर के लोग हैं वो तो पढ़ाई गलत पढ़ाई दे रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, मगर जो घर वाले हैं उनका भी फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को सही बातें बताएं। वो आपकी पाकिस्तान की जो सिलेबस है उसमें, उन किताबों में तो जहर भरा हुआ है बहुत सारा, इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में। मगर आप तो समझदार हैं, आप अपने बच्चों को, घर को ये बातें समझा सकते हैं कि जितना टाइम बच्चा स्कूल में नहीं रहता उससे ज़्यादा टाइम आपके पास रहता है। तो आप अगर समझदार हो तो आप भी अपने बच्चों को सही बातें बता सकते हो। तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में मदरसे में जाते हैं, और उस मदरसे में भी जो मौलाना बैठे, खास करके आपके पाकिस्तान के मौलाना, वो तो भाई ज़मीन को फ्लैट कहते हैं और ज़मीन घूमती नहीं, ये बातें बताते हैं। तो ऐसे मदरसों में भी मत भेजिए अपने बच्चे वहाँ, या तो फिर वहाँ के मदरसों में कम से कम साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी अभी हो रहा है, और ऐसे चाहिए मौलानाओं को वहाँ से निकाल के तो तभी कुछ बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।